हेलो, राम राम बेबेसौरिया ने और ठाकरा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मैं आपके अपने संतोष ठाकरा और ठाकरा व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज 1 सितंबर है और आज के दिन मेरे बेटे का, बड़े वाले बेटे का जन्मदिन है और आज वो 24 साल का होगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने बड़का का जन्मदिन मतलब अपनी कोशिश कर रहा हूँ बड़े धूमधाम से मनाने की कि भाई बहुत अच्छे से मनाऊँ। क्योंकि मेरी कोशिश रह गई कि भाई मेरे बड़े का उनका बाप भी याद ना आवे, तो मैं कोशिश कर करूँ कि भाई मैं वो हर खुशी दूँ जो एक बाप अपने बालका ने दिया करें। तो मैं नहीं चाहूँ कभी भी कि मेरे बाप बच्चे अपने बाप को मिस करें। कर मिस तो करते ही हूँ, पर फिर भी कोशिश करा करूँ कि मैं अच्छे से अच्छी उनको हर खुशी दूँ। तो बेबी आज उनका दूसरा बड़े छोरे का जन्मदिन है और मैं जन्मदिन में कि मतलब घर पे ज़्यादातर खाना बनाया, उसके सारे दोस्त दास उसके भी छोटे वाले के भी मतलब घर पे ही खाया करें। तो मैं खाने की तैयारी करने लग रही थी तो फिर पाचा मैंने कहा सब्जी बना कर फिर नहाऊँ नहाऊँगी तैयार होंगी। और के नम जी मन है 40-45 वाले का खाना मतलब बन जाया करें मेरे दोनों के, क्योंकि सारे बड़े तकरीबन उसके यार दोस्त भी हो जाए, अगर पड़ोस के बालक भी हो जाए तो सारे तकरीबन घर ही खाया करें। मैं घर ही बनाया करो और जी मैं बनाने लग रही हूँ, ये मैं मतलब ये तैयारी कर लग रही हूँ बनाने तो लग रही तैयारी कर शुरू करी है। तो ये मंदे में मटर पनीर की सब्जी बनानी है, ये प्याज उबाल दी वो करा कर ना बूंदा करें, ये मैंने प्याज बूंदे फिर इनने का पेस्ट बना दूंगी। अब वे 2 किलो मटर ली थी, ये मटर दी छील मैंने हैं और ये उबाल दूंगी। रे भाई ये 1.5 किलो टमाटर ले रखे हैं, ये भी इन प्याजा ने काटे कुछ हैं, प्याज ने जैसे ठंडे होने धर दूंगी पेस्ट बनाऊंगी। फिर तड़के में धरूंगी करूंगी ना इन्हें, इतने टमाटर हो जाएंगे फिर टमाटर का पेस्ट बनाऊंगी और फिर बेबे सब्जी पूरी तैयार करूंगी। और बेबे और जो भी जैसे भी होगा मैं तब तक बताऊंगी दिखाऊंगी। और बेबे एक तो मैं सब्जी बना दूँ और सब्जी बनाने के बाद बेबे नवा सब्जी और रायता बना कर धर दूँगी और आटा लगा कर धर दूँगी और फिर पूरी खाएंगे तो पूरी ना तो रोटी खाएंगे तो रोटी बना दूँगी। और फिर उसके बाद केक वेक काटेंगे अपने सेलिब्रेशन वो तो क्या करना, हमने जो भी ना करना वो कर लेंगे नॉट कुछ भी। तो ये मैं इस तैयारी का लग रही हूँ और आज बढ़िया खुशी का दिन है। फिर मैं खुश हूँ कभी कुछ कि आज मेरे बेटे बेटा 24 साल का हो गया कि तो जब इनका बाबू ना था जो छोटे छोटे थे जब मैंने सोचा कि कदे मेरे भी बालक बुढ़े होंगे, मेरे भी बुढ़े का बाल गाबरू होंगे बालक। और फिर आज 24 साल की उम्र हुई है, किस तरह 24 साल मेरा तो मन नहीं है पर फिर भी काफ़ी खुशी है जी। ये बालक बड़े दिखा है तो दिल तो खुशी हो गई है, बहुत खुशी होगा कि बड़ घबरू गए आदमी में काफ़ी खुशी हो। हाँ अंदर में थोड़ा सा है न्यू मगर फिर भी बहुत खुशी है। तो ये जी मैं तैयारी लग रही हूँ और जो होगा वो तो मैं पछ दिखाऊंगी। अरे वे के लिए इतना ही और जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी मैं अपने दिखाती जाऊँगी अपडेट, मैं जो भी बनाऊंगी खाऊंगे बाड़े के जो करवाएंगे वो भी दिखाऊंगी। अरे तो फिलहाल मैं इतना ही करूँ बेबे, आज 1 सितंबर है, मेरा एक बेटा 24 साल का हुआ, एक दूसरा बेटा जो छोटे वाला है वो मेरा 1 अप्रैल ने हुआ था, 1 सितंबर ये 1 अप्रैल नहीं वो छोटे वाला। और वो जी 1 अप्रैल था पिछला उसमें 18 साल का होकर 19 महीने में लग गया, अरे 24 साल का 25 महीने में लग गया। तो बेबे फिर मैंने सोची चलो अपनी खुशी थारी गला साझी करूँ, तो मैंने सोची मैं गला पहला मैं बताऊँ बेबे आज खुश हूँ बहुत खुश हूँ बेबे सब्जी बना के ना कर तैयार हो लूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है ना। तो बेबे तब तक के लिए बाय, राम राम, ठीक है, टाटा।